नमस्कार। लाठी शब्द एक स्त्रीलिंग द्योतक शब्द है। उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लाठी शब्द का मुख्य अर्थ है वह स्त्री या लड़की जो बोल नहीं सकती। पहाड़ी भाषा में इस शब्द को सीधी साधी बोली लड़की या स्त्री के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों में माता पिता अपने लाडली बेटी के लिए स्नेह जताने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी लाठी गौरा पंत शिवानी की एक घटना प्रधान कहानी है। आइए सुनते हैं उपन्यासकार शिवानी जी की एक स्त्री प्रधान मार्मिक कहानी। कहानी का नाम लाठी, लेखिका गौरापत शिवानी। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सैनेटोरियम की भलैया से ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिरदर्द और जुखाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आवाहन थी। भुवाली से भी अधिक मांग अब गोठिया सैनिटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयाँ देता। पास के बंगले के मरीज बड़ी तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खीज की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को वृक्ष से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास से तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बछड़ी रोनती घंटियों की सुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, वाह एक और। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब